तो रोहित, यूपी नगर निकाय के चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं और हम चाहेंगे कि जो हम ये देख रहे हैं वो क्विंट हिंदी की वेबसाइट पे जाके सारे नतीजे देख लें। लेकिन सुनने में आया है कि चुनाव के दौरान काफी मजेदार सा कुछ इंसिडेंट हुआ है। हाँ, जो रोहित मुझे बता रहा था हुआ यह है कि मथुरा में वार्ड नंबर 56 पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच टाई हो गया। ओ अच्छा, 874 वोटों का दोनों का टाई हो गया। उसके बाद एक लक्की ड्रॉ निकाला गया और तब जाकर बीजेपी का जो उम्मीदवार थे उनको जीत लिया। एक सेकंड, लकी ड्रॉ, ये चुनाव चल रहा है कि यहाँ पे लॉटरी लग रही है लोगों की? ये हो क्या रहा है भाई? हमें तो नहीं मालूम कि क्या चल रहा है। तो आप जाइए वेबसाइट पे, पढ़िए चुनाव के बारे में और इस मजेदार से किस्से के बारे में। तो रोहित, हमने पिछले कुछ महीनों में गौ रक्षा और काउ स्लॉटर और गायों के बारे में इतनी चर्चा सुनी है, इतने नियम बनाए गए हैं, इतना कुछ हो रहा है। लेकिन क्विंट हिंदी पर एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी की है विक्रांत ने। हाँ, जहाँ पर मैं बताता हूँ कि ईस्टर्न यूपी में गायों से लोग परेशान हैं। जिन गायों को बचाने की बात हो रही थी, लोग उन्हीं से परेशान हैं, क्योंकि एक गांव के लोग जो हैं वो दूसरे गांवों में अपनी उन गायों को छोड़ दे रहे हैं जिनका उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, या फिर ऐसे पशु हैं जो इस्तेमाल के लायक नहीं है। तो ये पशु जो हैं वो उनके खेत में फसलों को बर्बाद कर देते हैं, चर लेते हैं, खा जाते हैं। तो इसकी वजह से अब वो किसान दिन में भी जाग रहे हैं, रात में भी जाग रहे हैं और अपने खेतों की पहरेदारी कर रहे हैं। तो यूपी के किसानों का यही है कि गाय बचाएं या फसल। दिन रात सब कुछ साथ है ना, रातों को संगमर के रहा है क्या? जितनी मोदी छोले मसाना कुर जाके रात के हैरान करे में सुतते में उपद्रव सुतते में उपद्रव दिखाई देते। फील्ड में हिरल हुए रात को टहरा दें जाके गोरु हमको बांध लिए रात भर हैरान करें यहाँ से हका उहार वहाँ से हका उहार वहाँ से हका उहार। तो हंसा, ये पद्मावती ना, पद्मावती और पद्मावती, मतलब विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो संसदीय समिति के आगे संजय लीला भंसाली को भी खड़ा कर दिया गया। उन्होंने बोला भी कि भाई ये पोएम है, किसी मतलब काल्पनिक तौर पर इस फिल्म को बनाया गया है, इसका इतिहास से लेना देना नहीं है। फिर भी ये मामला थम ही नहीं रहा। अरे मतलब मैं अब कहीं भी बाहर जाती हूँ, अपने दोस्तों से मिलती हूँ, किसी से भी बात करती हूँ, घर पे भी जाती हूँ, तो ऑल वी आर डिस्कसिंग इज पद्मावती। क्योंकि इतना इसको नेशनल इशू बना दिया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारे पास सेंसर बोर्ड है, हमारे पास कमिटीज हैं जो इस पूरी चीज को हैंडल कर सकती हैं, इसका सोल्यूशन निकाल सकती हैं, समाधान निकाल सकती हैं। तो इसका समाधान है क्या? ऑफ कोर्स है, और आप लोग क्विंट हिंदी की वेबसाइट पे जाके अमरीश जी का लेख पढ़ सकते हैं, जहाँ उन्होंने बात की है कि हर मुद्दे का सोल्यूशन होता है, पर हम सुने तब ना, हम दंगा फसाद ना करके कंस्ट्रक्टिवली बैठ के डिस्कस करें और सुने तो ना कुछ बात तो बने। आप क्विंट हिंदी के इस लेख को सुनिए भी और पढ़िए भी। जी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच काफी कुछ कॉमन है, जैसे डेमोक्रेसी और कल्चर। दिल्ली में टाउन हॉल के दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए ओबामा ने कहा कि अगर युवा खुद पर ध्यान दे तो वो बहुत परिवर्तन ला सकता है। ओबामा ने कहा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी अकेले काम नहीं चला सकती, इसका सही इस्तेमाल जरूरी है और युवा टेक्नोलॉजी को पकड़ने में काफी तेज होते हैं। केरल और तमिलनाडु के कोस्टल इलाकों में चक्रवाती तूफान ओखी ने भारी तबाही मचाई है। इससे अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 से ज्यादा मछुआरे लापता हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे दोनों ही राज्यों के लिए मुश्किल भरे बताए हैं। दोनों ही राज्यों में स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया गया है। दिवाली पर दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाने के बाद अब देश भर में इस पर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, इसमें पटाखे बनाने, जलाने और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया था, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला था।